नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। 19 सितंबर से लापता एक विवाहिता का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले को लेकर लापता विवाहिता के पति ने पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर पत्नी की हत्या किए जाने का अंदेशा व्यक्त किया है। यह पूरा मामला बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुढ़पुरा का है। गांव में रहने वाले शिशुपाल सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी पत्नी 19 सितंबर को बबीना हाट में बाजार करने के लिए गई थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। सभी संभावित स्थानों तथा रिश्तेदारों में तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिशुपाल ने संदेह व्यक्त किया है कि गाँव के कुछ लोगों ने रंजिश के चलते उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। इस संबंध में उसने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसकी पत्नी का जल्द पता लगाए जाने तथा आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ किए जाने की गुहार की गई है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सर, हमारी पत्नी 19 नौ को बबीना आई थी बाजार करने। के जो बबीना का प्रधान है और उसके सहयोगी ठाकुर समाज के लोग हैं, इनका नाम है बबलू सिंह ठाकुर, सतपाल सिंह ठाकुर, जग्गू ठाकुर, रजू ठाकुर। इन लोगों ने 10 मार्च 2017 में हमारे घर की तोड़फोड़ की थी और जान से मारने की कोशिश की, जिसकी शिकायत करने पर आज तक हम घर से बेघर हैं। हर अधिकारी सूचना दे चुके, हमारी आज तक कहीं FIR लगी ना, हम आज तक अपने घर रह पा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने हमारी पत्नी की हत्या अपहरण करके हत्या की है। आज तक हमारी पत्नी का कोई पता नहीं सर। हमारे बच्चे भूखे भी लग रहे हैं घर पर, और हम यहाँ भूखे चक्कर काट रहे सर। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर।